क्रिकेटर उमर अकमल की सजा कम होने पर पीसीबी ने आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी है। आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 36 से 18 माह की थी। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं कि एतराज है कि क्या कोर्ट को हमदर्दी की बुनियाद पर सजा कम करने की गुंजाइश है। क्रिकेटर उमर अकमल की सजा कम होने पर पीसीबी ने आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी है। इसकी डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पीसीबी ने जब फैसला आया था आजाद एडजुडिकेटर का और उसमें सजा कम की गई थी 36 मार्च से 18 मार्च, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था कि एक ही फोरम बाकी बचता है जहां पर अपील की जाएगी और ये फोरम है लुजैन में वाकई सालसी अदालत ब्राय खेल, उसमें अपील की जाएगी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने ये चीज को कंफर्म किया है अपने वीडियो बयान के जरिए कि अपील दायर कर दी गई है। दो शिक्कों की खिलाफ वर्जी की थी, मुतकर पाए गए थे उमर अकमल और डिसिप्लिनरी पैनल ने उनको सजा दी थी 36 माह। उमर अकमल ने अपील की थी जिसके ऊपर आजाद एडजुडिकेटर ने 36 माह से 18 माह सजा कम की थी और जो सालसी अदालत से राबता किया गया अपील दायर की गई, और उसमें पीसीबी का यही मौकफ है कि आजाद एडजुडिकेटर ने तस्लीम भी किया है, अपने तफसीली फैसले में भी लिखा है कि डिसिप्लिनरी पैनल का फैसला दुरुस्त था लेकिन उन्होंने हमदर्दाना रवैया अख्तियार करते हुए उमर अकमल की सजा में कम किया है। और हमारा पहला इतराज यही है, अदालत में अपील करना आसान फैसला नहीं था लेकिन हमें इस चीज पर एतराज है और यही नुकता उठाया गया है कि क्या अदालत को हमदर्दाना रवैया अख्तियार करते हुए सजा में कमी का अख्तियार हासिल है या नहीं। इसी की बुनियाद के ऊपर पीसीबी ने सालसी अदालत खेल में अपील की है उमर अकमल केस के हवाले से। जी शुक्रिया सुहेल इमरान हमें अपडेट करने के लिए।